कृष्णा, आज हमने बनाई है ये गाजर की बर्फी, बिल्कुल एक अलग तरीके से। इस बर्फी में हमने गाजर को बिल्कुल पीस के डाला है, सूप वाली छलनी में से छान भी लिया था, इसमें बिल्कुल कोई रेशा नहीं है। बड़े आदमी को, किसी को भी दांत की प्रॉब्लम है, दांत नहीं है, की जरूरत नहीं है, मुंह में रखेंगे और ये भूल जाएगा। आइए देखें कि ये वीडियो हमने कैसे बनाया है। शुरू करते हैं अपना गाजर की बर्फी बनाना। डेढ़ कप गाजर मैंने बिल्कुल से ऐसे उबाल के ले लिया, बिल्कुल नरम हो गई है। मिक्सी के जार में डाल के हम इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। गाजर हमारी बिल्कुल बारीक हो गई है, इसमें कोई रेशा नहीं बचा है। ये देखिए बिल्कुल बारीक है। अगर आपको लगे कि कोई रेशा रह गया होगा तो आप इसको छान भी सकते हैं, वैसे छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम ये गाजर की बर्फी बीमार लोगों के लिए बना रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको के बिल्कुल बिना फाइबर वाली डाइट चाहिए हो, जो आराम से हजम हो जाए। ये मैंने 750 ml गाय का दूध उबलने के लिए रख दिया। ये जो हमने गाजर को बिल्कुल बारीक पीसा है, इसको इस छलनी में से भी छान के सब देख सकते हैं कि इसमें कुछ रेशा बचा है या नहीं। हमने सारी गाजर इस सूप वाली छलनी में से छान लिया है, ऊपर बिल्कुल भी रेशा नहीं बचा है। नीचे से भी हम इसका सारा ये उतार लेंगे। तो अब इसको हम दूध के साथ मिला देंगे और इसकी हम गाजर की बर्फी बनाएंगे। मिलाते रहेंगे ताकि ये लगने ना पाए। हमने अपना ये गाजर पाक छोटी गैस पे फुल करके रखा हुआ है और इसको हम लगातार हिला रहे हैं। 7 मिनट हो गई हैं हमें इसको हिलाते हुए और ये हमारा काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा है। जब तक ये नीचे ना लगने की कोशिश करेगा, हम इसको तेज गैस पे ही चलाते रहेंगे। बस ध्यान हमें ये रखना है कि नीचे लग के इसका टेस्ट ना बिगड़े। 10 मिनट हो चुकी है हमें इसको फुल गैस पे चलाते हुए, अब ये छींटे उछालने लगा है। तो अब हमें थोड़ा कभी धीरे गैस करके, कभी थोड़ी तेज करके, कभी थोड़ी स्लो करके ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ताकि इन छींटों से हमारे हाथ पे कोई फफोला ना पड़ जाए। इसको भी हम चलाते रहेंगे। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर ढक्कन ढक के भी, ये आधी कढ़ाई पे हमने ढक्कन ढक रखा है, तो इसको ऐसे ही अंदर चला रहे हैं, इससे छींटे उछल के बाहर भी नहीं आ रहे और हमारी ये गाजर की बर्फी भी आसानी से बनती रहेगी। ये हमारी गाजर की बर्फी को बनाते बनाते हमें और 4-5 मिनट हो गए हैं जब से हमने ये प्लेट ढकी है, और हमारा ये प्लेट ढक के बड़े अच्छे से।
गाजर भी मीठी मीठी होती है। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो तो इसको बिना मीठा मिलाए भी खा सकते हैं। मैं तो इसमें सिर्फ एक चम्मच के आसपास देसी खांड डालूंगी, वो भी जब ये ठंडा हो जाएगा देसी खांड डाल के और इसको जमा लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको प्लेटफॉर्म पे रख लेंगे ताकि हमारी ये गाजर की बर्फी नीचे से जल नहीं जाए। ये हमारी बर्फी गाजर की बर्फी हो गई है। इसमें अब हम मीठा डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो बस ये एक टेबल स्पून में से भी थोड़ा सा मीठा बचा लिया, बहुत कम मीठा डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना ज़्यादा डालना चाहें, जितना कम करना चाहें, बिना मीठे की खाना चाहें वैसे बना सकते हैं। अब इसको हम प्लेट में जमा लेंगे। ये प्लेट हमने घी लगा के रख रखी है, ये हम इसमें पलट देंगे। काजू डालना चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। अभी इसके अंदर हम ऐसे इसे हाथ से दबा देंगे तो ये इसमें चिपक जाएगा। ये हमने अपनी बर्फी को इस प्लेट में ऐसे जमा दिया ताकि हम इसकी ऐसे कटिंग आसानी से कर सकें। अभी ये ठंडी हो जाएगी तो हम काट के देखेंगे हमारी बर्फी कैसी है। ये हमारा गाजर का अच्छे से जम गया, तो हम इसकी बर्फी काटेंगे जैसे साइज की, जितनी बड़ी आप काटना चाहें बर्फी काट सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा ही बनाया था, 750 ml गाय का दूध था और हमारी 150-200 ग्राम के आसपास गाजर, तो इसमें हमने चीनी और घी बहुत थोड़ा ही डाला है और ये बर्फी हमारी बड़ी अच्छे से जम रही है। मीठा भी हमने इसमें 1 टेबल स्पून के आसपास ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला। ये देखिए हमारी कैसी नरम नरम बड़ी अच्छी बर्फी जम के तैयार हो गई है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बर्फी हमने बिल्कुल ऐसी बनाई है कि मुंह में डालो और घुल जाएगी, चबाने की बिल्कुल ही जरूरत ना पड़े। अगर आपको ये गाजर की बर्फी का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, धन्यवाद।